नमस्कार, मैं ऋषभ तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पावर ऑफ डिवोशन पर। भाई और बहनों, क्या आपकी भी शादी नहीं हो रही है? क्या आपके मन में विवाह करने के लड्डू फूट रहे हैं? तो आज हम आपके लिए लाए हैं लाल किताब के कुछ ऐसे उपाय जिससे आपके विवाह करने के सारे द्वार खुल जाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। आजकल के दौर में लड़के या लड़कियां विवाह करने में बहुत विलंब करते हैं। इसके बहुत से कारण है। पहला कारण है करियर बनाने का चक्कर, दूसरा कारण है आर्थिक तंगी और तीसरा अनिर्णय की स्थिति। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं लाल किताब के कुछ ऐसे उपाय जिससे आपके विवाह करने के सारे द्वार खुल जाएंगे। यदि आप लड़की हैं तो शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन प्रातः काल में चांदी की एक ठोस गोली को लेकर चांदी की ही एक चेन में पिरोएं, फिर उसका अभिषेक गंगा जल और दूध से करें, फिर उसको स्पर्श कराने के लिए शिव जी के मंदिर ले जाएं और उसका स्पर्श शिवलिंग से कराएं, फिर मंदिर से लौटते समय गरीबों को कुछ मीठा जरूर खिलाएं। दूसरा उपाय है, यदि आप लड़के हैं तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के पहले एक कुल्हड़ लें और उसमें मशरूम भरकर किसी तीर्थ स्थल में जाकर दान कर दें। तीसरा उपाय लड़कों के लिए है, किसी सुनसान जगह पर जाकर एक नीला फूल वहां पर गाड़ दे और गाड़ने के लिए एक लकड़ी का सहारा ले और उस लकड़ी को वहीं पर छोड़ आए। यदि आप अपने विवाह में आ रही बाधा को दूर करना चाहते हैं तो 36 लौंग लें और 6 कपूर लें, फिर उसे हल्दी और चावल में मिलाकर इससे दुर्गा माँ को आहुति दे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।